सुमन, मासी माँ कहाँ है? उन्हें बुला के ले आओ। अरे चाची, वो तो आपको बुला रही है। कह रही थी उनको कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अच्छा, किधर है वो? छत पर। वही हम सोच रहे थे कि मासी माँ हमें ऐसे छत पे क्यों बुलाएंगी। जरा शोर हुआ, याद है आपने क्या कहा? तो देखिए, हम कमरे में नहीं, खुले आसमान के नीचे। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और बात कही थी आपसे कि जब आप हमें हल्दी लगाए तो बाकी परिवार वाले भी वहीं होना चाहिए, वो चोरी छुपे नहीं। वो देखिए, सारे घर वाले हमारे सामने, अब हमने आपकी सारी कही शर्तें मान ली हैं, तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम आपको अपने हाथों से हल्दी लगाएं। इतनी भी क्या चलती है, रुक जाइए। और आप तो फुल लॉन चीटिंग कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि हमने आपसे कहा था कि जब आप हमें हल्दी लगाए तो बाकी के घर वाले हमें देख सके। हाँ, वैसे इतनी बड़ी शर्त लगाने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था आपको। कहाँ चला गया ये? मुझे यहाँ पे बुलाया और खुद गायब हो गया। उधर रसम शुरू होने वाली है और इसको भी अभी मजाक की सूझी है। हे भगवान, एक पैसे की खुशी नहीं हो रही है, लेकिन दांत तो दिखाने पड़ेंगे ना इन सबको। क्या कर सकते हैं? ये क्या है? रिपोर्ट आ जा। मासा, सब लोग आ गए हैं। सब लोग आ गए हैं, लेकिन परी कहाँ आ गई? हाँ? मासा, हम देख कर आए। ठीक है। समधन जी, ये देखिए मुझे क्या मिला। अरे भावना, इसे हम देख लेंगे। तुम लोग जाओ, हल्दी की रस्म शुरू करो। पता नहीं चल क्या रहा है, एक जा रहा है तो उसके पीछे दूसरे भी जा रहा है। माँ साहब, हम देख के आए? कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगी अपने आप। बिट्टू गई तो तेरे पीछे किसी को भेजू। जी माँ साहब। क्या बात है अम्मा, क्या है इसमें? ओ,
दिखाओ ना, वो डॉक्टर की जांच के पुराने पर्चे रद्दी हैं। कितनी बार कहा है मैंने इन लोगों को कि बेकार के कागजात मत रखा करो, मेरी कोई सुने तब ना। राइट बोले जी, मैं तो ना घर की रद्दियां बेच बेच के खूब पैसे कमाती हूँ, सच्ची। आई कहाँ थी तुम? वो अच्छा चलो जल्दी जाके जगह पे बैठो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, समय निकला जा रहा है, चलो। आइए आप आइए। अम्मा अब हल्दी के रस्म शुरू करें। ये कौन है? ये विशाल चाचू की मम्मी है। परी की हल्दी तो हो गई, परी को अंदर ले जाओ और अब सत्तू की हल्दी शुरू होगी। सत्तू, तेरे हाथ में पहले से हल्दी कैसे लगी? पता नहीं कैसे लग गई। कोई बात आओ। चलो हल्दी की रस्म तो खत्म होने आई, पता नहीं ये मेहंदी वाली कहाँ रह गई है। दद्दू उसका फोन आया था, वो बस आती ही होगी, पता नहीं कब आएगी। भैया आपको पक्का पता है ना कि यही भावना देवी का घर है? अरे मैडम जी, आप किसी बच्चे से पूछेंगे ना वो भी बता देगा, इतना मशहूर है ये घर। अच्छा जी, आप कौन? बड़ा भीड़ भड़का है, हमें तू तू यहीं दिखा दे। ठीक है अम्मा जी। और हाँ, आज तो जो तू हमारी परी के हाथों में मेहंदी लगाएगी ना, वो तेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मेहंदी होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा जी, हमारे पास सारे डिजाइन्स एक नंबर होते हैं। लीजिए आप खुद ही देख लीजिए।
डिजाइन तो बड़े सुंदर हैं तेरे। परी के लिए कौन सा चुने? मुझे तुम्हारा राज पता चल चुका है और मैं जल्दी ही आ रहा हूँ पर्दाफाश करने। तैयार रहना। अरे वाह, आप आ गई। हाँ दीदी। दद्दो, ऐसा भी कौन सा डिजाइन देखा है जो इतना चौक के देख रही हैं आप उसे? अरे दीदी, हमारे डिजाइन होते ही कुछ ऐसे सब चौक जाते। अरे वाह, हम भी तो देखें जरा। क्या बात है, सब लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हैं? परी, कौन से डिजाइन की मेहंदी लगवानी है कुछ सोचा है या नहीं? नहीं, वो मसाब। ऐसे हवाया क्यों उड़ रही है तुम दोनों के चेहरे पे? मेहंदी तो लगवानी है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ला दे, मुझे दे, मैं मदद करती हूँ। अब कौन सी ट्रेन छूट रही है जो लाल झंडी लेके खड़ी हो गई? बोलेगी भी क्या हुआ? अब वो थोड़े से पीछे पेज पलटी है ना, दरअसल हमें एक डिजाइन पसंद आया था, वो देखिए ना एक बार। हाँ, ये वाला देखिए ना, अच्छा है ना? हम सोच रहे थे कि अच्छी लग रही है तो लगवा लो, बहुत जचेगी तेरे ऊपर। और सुन, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोच अगर ज्यादा गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाती है। बस जो दिल आया वो कर ले। अरे भावना, तू यहाँ कहाँ आ गई? चल चल के मेहंदी की तैयारियां देख लेते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे लेकिन तसल्ली कर लेना, हमारा फर्ज है। हगाए बगाए बकती रहें, टाइम पे कुछ नहीं होगा तो फालतू की बातें करेंगी। जरा सी देर हुई तो मीन में एक निकालने लग जाती। ओहो अम्मा, आप भी ना राय से कंकर चुनने में कसर नहीं रखती। चलिए परी, तुम मेहंदी के लिए तैयार हो जाओ। रुको, जो हम पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी जो मेहंदी की किताब है, इसमें ये संदेश किसने लिखा है? दीदी, हम नहीं जानते। झूठ मत बोलो हमारे सामने, ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? ठीक है, हम यहाँ पुलिस को बुलाते हैं, फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसी समय। दीदी 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 प्लीज, वो पुलिस को मत बुलाइए। दीदी हमारे छोटे बच्चे हैं, हम आपको सब बताते, दीदी पूरी बात बताते। दीदी हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें बाहर एक आदमी मिला, वो अपने आप को आपका ससुर बता रहा था, और दीदी उसने बोला कि ये संदेश हमारी बहुरिया तक पहुँचा दो, हम इसके बदले आपको पैसे देंगे। तो दीदी बस, दीदी पैसों की वजह से हम यहाँ पे आपको संदेश पहुँचाने के लिए आ गए। दीदी हमें माफ कर दो दीदी प्लीज। शक्ल से तो एक नंबर की मूर्ख लगती हो, लेकिन क्या दिमाग से भी पैदल हो? तुमने देखा ना हमारी सासू माँ को, उनकी मांग सुनी थी, विधवा है वो, इसके बावजूद भी तुमने किसी को भी माना ससुर जी बना दिया और उनसे ये संदेश लेके आ गई। दीदी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार जाने दे रहे, लेकिन याद रखना
इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी, वरना कोतवाली का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ठीक है दीदी, अब जाओ तुम। पापा जी बार बार कौन सा राज उजागर करने की धमकियां दे रहे हैं? तत्पम से कुछ छुपा रही है। ये कागजात जब तक हमारे पास सुरक्षित हैं शिवपाल, तब तक तू भावना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। वो राज जो बरसों से राज है, वो हमेशा इन कागजों में दफन रहेगा। बेचारी अम्मा, ये कागज के पुर्जे सिर्फ जिंदा नहीं है, दहकते सुलगते अंगारे हैं जो भावना देवी की जिंदगी में आग लगा देंगे, जलाकर राख कर देंगे इस घर की खुशियों। तत्तू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो जाग कर सकती है। सुमन इधर। अरे चाची, पूरा घर छान मारा और आप यहाँ हैं। आपको पता है उस मेहंदी वाले के पास एक से एक डिजाइन है, सारी औरतों ने जमकर लगा के रखा है, बहुत टाइम लगेगा, चलिए ना। अरे हम क्या पूछ रहे थे सुमन, तुमने दद्दो को कहीं देखा है? अरे दद्दो को छोड़िए, आप चलिए ना, मास्टर मेहंदी की रस्म के लिए इंतजार कर रही है। सुमन तुम जाओ, हम बस अभी आते हैं। ठीक, जाओ। दद्दो हमें आपसे कुछ बात कहनी है। बोल बीटिया, क्या बात कहनी है? तद्दो हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, हम तुझसे कुछ क्यों छुपाएंगे? तद्दो पापा जी ऐसी कोई खोखली धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हमसे एक बार झूठ बोल सकते हैं, वो एक बार हमें डरा सकते हैं, लेकिन बार बार इतनी हिम्मत के साथ गुजरे हुए कल का राज उसे उजागर करने की धमकी नहीं दे सकते। राज? कैसा राज? ऐसा कोई राज नहीं है, और फिर हम तुझसे कुछ झूठ क्यों बोलेंगे? तब तो हम ये नहीं जानना चाहते कि राज क्या है, किसका राज है, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप अपनी परेशानी हमें बता सकती हैं, हो सकता है कि हम आपकी मदद कर सकें इस राज को राज रखने में। यह सही वक्त नहीं है इन बातों का, तो पहले अपनी मेहंदी की रस्म पूरी कर ले। मेहंदी का रंग तो पापा जी की परछाई के तले फीका पड़ जाए। ये बात तो आप भी जानती हैं ना कि जब तक पापा जी का डर हम पे हावी रहेगा, तब तक इस घर की खुशियां दाव पे लगी रहेंगी। तुम्हारी बात मानिए कर दो, हमें लगता है कि हमें माँ साहब को सब कुछ सच बता देना चाहिए। उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, हिम्मत के साथ डट के। हमें लगता है जब उन्हें सच पता चल जाएगा ना, तो वो आपसे, हमसे, हम दोनों से बेहतर पापा जी से निपट पाएंगे। शायद तू ठीक कह रही है, तू चिंता मत कर, हम आज ही भावना से इस बारे में बात करेंगे।
भगवान करे मेहंदी की रस्म के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे आप कहाँ चले आ रहे हैं? जाइए यहाँ से, लड़कों का यहाँ पे आना मना है। हाँ। जाइए। अरे जाइए यहाँ से। अरे, 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 अरे। कमाल करती हैं आप लोग भी, दूल्हे हम, शादी हमारी, सारी रस्में हमें निभानी, पर आप हमें अंदर जाने से रोक के टांग अड़ा रही हैं। देखिए चुपचाप इज्जत से मैं आगे बढ़ने। अरे, अरे, अरे। वैसे सतू जी सही कह रहे हैं। अच्छा खबरदार परी भाभी, जो आपने लड़कों का साथ दिया, अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो बेहतर यही होगा कि आप हमारे साइड रहिए। अरे वैसे भी आप लड़कियां, हम लड़कों के बिना कौन सा तीर मार लेंगे अकेले? भावना, एक बहुत जरूरी बात कहनी है तुझसे। हाँ हाँ बोलो। बात यह है कि वो